तो हेलो जी, व्हाट्सअप एंड वेलकम बैक टू एम जी विद चैट्स। तो गाइस, रिसेंटली मैंने ये वाली फोटो एडिट की थोर कॉन्सेप्ट की। तो आज के वीडियो में आपको यही सिखाने वाला हूँ कि कैसे आपको इस टाइप की अपनी फोटो को एडिट करना है। और ये फोटो मैंने अपने मोबाइल से क्लिक की थी और मोबाइल से इस फोटो को एडिट किया है। अगर आप भी इस टाइप की एडिटिंग अपनी फोटो में करना चाहते हो तो वीडियो में बिल्कुल एंड तक बने रहना। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि हम ऐसी ही एडिटिंग की वीडियोस आपके लिए लाते रहते हैं। तो भाई, शुरुआत करते हैं सबसे पहले अपने बैकग्राउंड से। तो इस वाले बैकग्राउंड का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर लेना। तो सिंपली यहाँ से हम अपने इस वाले बैकग्राउंड को शेयर करते हैं अपने पिकआर्ट ऐप के अंदर। ठीक है गाइस, पिकआर्ट के अंदर हमारा बैकग्राउंड आ चुका है। यहाँ पे हम चलते हैं ड्रॉ टूल पे और फिर आपको यहाँ पे क्लिक करना है एंड फिर आपको यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ से हम फोटो लेयर सिलेक्ट करेंगे और जो हमने फोटो पहले से क्रॉप कर रखा है उसको हम यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं। तो सिंपली इसको यहाँ से ऐड कर लेंगे। ऐड करने के बाद यहाँ से डन कर लेंगे एंड फिर इरेजर टूल पे क्लिक करेंगे एंड इसकी साइज को इस टाइप से मैनेज कर लेंगे। ओके गाइस, फिर इसके यहाँ से एक्स्ट्रा पार्ट को हम इरेज करेंगे इस टाइप से। तो इसको हमने पहले क्रॉप करते टाइम छोड़ दिया था, तो इसको अभी क्रॉप कर लेते हैं। तो फटाफट से मैं इसको क्रॉप कर लेता हूँ। तो सिंपली गाइस, फोटो हमारी क्रॉप हो चुकी है। अब आपको यहाँ पे क्लिक करना है, फिर हम यहाँ पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ से ट्रांसफॉर्म कर देंगे और अपनी फोटो को अपने बैकग्राउंड के ऊपर इस टाइप से सेट करेंगे परफेक्टली, ताकि ये बिल्कुल रियल लगे। तो यहाँ पे मुझे सही लग रही है, इसको हम यहाँ से डन कर लेंगे। अब हम अपने फोटो के शेडोज क्रिएट करेंगे। तो शेडोज़ को हम नई लेयर पर क्रिएट करेंगे, तो इसके लिए हम यहाँ पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ से एक एम्प्टी लेयर बना लेंगे। फिर ब्रश की साइज को मैनेज करेंगे यहाँ से, तो साइज को बढ़ा लेते हैं और इस टाइप से ओपेसिटी को भी बढ़ा लेते हैं और जूम करके अपने फोटो की परफेक्टली शेडोज क्रिएट करते हैं। तो गाइस, शेडोज क्रिएट करने से ही हमारी फोटो रियल लगती है, वरना हमारी फोटो बिल्कुल नकली सी लगती है। तो फटाफट से मैं शेडोज क्रिएट कर लेता हूँ। तो शेडोज हमारी परफेक्टली क्रिएट हो चुकी है, इसको हम यहां से डन कर लेंगे। ठीक है गाइस, अब हम चलते हैं ऐड फोटो पे और कुछ पीएनजी वगैरह ऐड करेंगे। यहां से हम इस पीएनजी को ऐड कर लेंगे। ठीक है गाइस, फिर इसको अपने हाथ के ऊपर इस टाइप से सेट करेंगे, तो इसकी साइज को हम बढ़ा लेते हैं यहां से और हल्का सा घुमा लेते हैं और इस टाइप से अपने हाथ के ऊपर इसको सेट करते हैं। अब यहाँ पे चल के इसके एक्स्ट्रा पार्ट को इरेज कर लेते हैं, तो यहाँ से साइज कम कर लेंगे और जो जो भी पार्ट अपने हाथ के ऊपर आ रहा है इसको यहाँ से इरेज कर लेंगे। तो इस टाइप से परफेक्टली आपको भी कर लेना है। तो फटाफट से मैं इसको अपने हाथ के ऊपर सेट कर लेता हूँ।
काफ़ी अच्छा सेट हो चुका है ये। यहाँ से हम इसको डन कर लेंगे एंड यहाँ से भी डन कर लेंगे। तो इसके नीचे हम आग लगाएंगे, इसके लिए हम चलते हैं स्टिकर पे एंड यहाँ से मैंने एक पीएनजी पहले से सर्च कर रखी थी ये वाली, तो इसको मैं यहाँ से इस टाइप से सेट करूँगा। तो आप भी इसमें फायर सर्च करके सिंपली इसको सेट कर सकते हैं। यहाँ से हम इसके एक्स्ट्रा पार्ट को इरेज कर लेंगे, तो इतना रखेंगे हम इसको एंड यहाँ से इसको डन कर लेंगे, फिर यहाँ से भी डन कर लेंगे। फिर से हम चलते ऐड फोटो पे और यहाँ पे हम एक और फायर की पीएनजी ऐड करेंगे। तो यहाँ से मैं इस वाली पीएनजी को ऐड कर लूँगा एंड इसको इस टाइप से सेट करेंगे ताकि ऐसा लगे कि आग ऊपर तक आ रही है। यहाँ से हम इसको हल्का सा पतला कर लेंगे एंड इस टाइप से इसको सेट करेंगे परफेक्टली। तो काफ़ी सही लग रहा है ये। यहाँ से हम इसको डन कर लेंगे, फिर से हम चलते हैं ऐड फोटो पे और कुछ और पीएनजी ऐड करेंगे। तो यहाँ से मैं इस वाली पीएनजी को एंड इस वाली पीएनजी को ऐड कर लूँगा। इस पीएनजी को हम नीचे की साइड रख लेंगे एंड इस पीएनजी को हल्का सा छोटा करेंगे एंड यहाँ पे चल के इसको स्क्रीन कर देंगे। इसको हम अपने आग के अंदर लगाएंगे, तो इस टाइप से इसको सेट करेंगे ताकि थोर टाइप लुक आए हमारी फोटो में। तो सेकेंड वाले को हम यहाँ से इरेज कर लेंगे, फिर यहाँ से इसकी एक और डुप्लीकेट कॉपी कर लेंगे एंड इसको हम अपनी इस वाली आइस के ऊपर इस टाइप से सेट करेंगे। हल्का सा घुमा लेते हैं यहाँ से, तो परफेक्टली लग रहा है ये। अब इस वाली पीएनजी को अपने पूरे फोटो के ऊपर सेट करेंगे, तो इस टाइप से इसके साइज को बढ़ा लेते हैं परफेक्टली एंड यहाँ पे चल के इसको स्क्रीन कर देंगे। ठीक है गाइस, फिर यहाँ पे चल के इसके एक्स्ट्रा पार्ट को इरेज कर लेंगे जो जो भी अपने फेस के ऊपर आ रहा है। सही है, इसको यहाँ से डन कर लेंगे, इसको हल्का सा ऊपर की साइड कर लेते हैं। ओके एंड यहाँ से डन कर लेंगे। तो गाइस इस फायर की लाइट यहाँ पे आनी चाहिए, तो इसको क्रिएट करने के लिए हम ड्रॉ टूल पे चलते हैं एंड यहाँ से ऑरेंज वाला कलर सेलेक्ट करेंगे, फिर ब्रश की साइज को हल्का सा बढ़ा लेंगे एंड ओपेसिटी को कम करके इस टाइप से जूम कर यहाँ पे इसको रब करेंगे। तो अब ये सही लग रहा है, यहाँ से डन कर लेंगे। फिर हम ड्रॉ टूल पे चल के अपनी फोटो को सेव कर लेंगे। अब आपको गैलरी के अंदर आ जाना है। गैलरी में आने के बाद अपनी एडिट की हुई फोटो को हम यहाँ से शेयर करेंगे लाइटरूम ऐप के अंदर, ताकि वहाँ पे हम अपने फोटो की रिटचिंग कर सकें और अपनी फोटो को बैकग्राउंड से मैच करवा सकें। तो सिंपली इसको यहाँ से शेयर करते हैं लाइटरूम ऐप में एंड ऑल फोटो में चलते हैं और यहाँ से अपनी फोटो को ओपन कर लेते हैं। ओके जी, फिर आपको यहाँ पे आ जाना है एंड यहाँ से कॉन्ट्रास्ट को बढ़ा लेना है, शेडोज को कम कर लेना है एंड ब्लैक को भी कम कर लेना है, वाइट को हम बढ़ा लेंगे। ठीक है जी, फिर यहाँ पे आ जाना है एंड यहाँ से वाइब्रेंस को बढ़ा लेना है, फिर यहाँ पे आके इसकी क्लियरिटी को बढ़ा लेना है, हल्का सा विनियट लुक डाल देना है, फिर यहाँ पे आ जाना है, यहाँ से हम टेम्परेचर को बढ़ा लेते हैं, फिर ऊपर मिक्स में चलते हैं एंड स्किन के कलर की लुमिनेस को बढ़ा लेते हैं और इस वाले कलर की सेचुरेशन को बढ़ा लेते हैं एंड इस वाले कलर की सेचुरेशन को भी बढ़ा लेते हैं और इसकी भी सेचुरेशन को बढ़ा लेते हैं, फिर यहाँ से डन कर लेंगे। अब आपको आ जाना है सिलेक्टेड टूल्स पे एंड ग्रेडियंट वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना है और इस टाइप से ग्रेडियंट डाल के यहाँ से इसके एक्सपोजर को कम कर लेना है, फिर इस टाइप से
सर्कल बना लेंगे एंड यहाँ से इसको इन्वर्ट कर देंगे, फिर यहाँ पे आके इसके एक्सपोजर को कम कर लेंगे एंड डन कर लेंगे। तो फाइनली गाइज हमारी फ़ोटो हमारे बैकग्राउंड से परफेक्टली मैच हो चुकी है और काफ़ी अच्छी रिटचिंग हमने कर ली हमारी फ़ोटो में। तो आई होप गाइज आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना है और ऐसी ही एडिटिंग की और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।